नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव भदौरिया है और आज हम लोग बात करेंगे डिबगिंग के बारे में। डिबगिंग एक्चुअली वो प्रक्रिया है जिसमें हम अपने कोड से एरर्स को दूर करते हैं। तो एरर क्या है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को डेवलप कर रहे होते हैं तो उसमें एरर आना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही जनरल है और त्रुटियाँ आती ही हैं। हम जब कोड में कुछ गलती छोड़ देते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं या उसके लिखने में गलतियाँ कर देते हैं तो ये त्रुटियाँ आना स्वाभाविक है। तो प्रोग्रामर का काम है उन एरर्स को ढूंढना और उन्हें सही करना और तब तक सही करते रहना जब तक कि प्रोग्राम हमारा एकदम एरर फ्री ना हो जाए। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डिबगिंग। अगर आप किसी एरर या एक्सेप्शन से बहुत अच्छे से परिचित हैं तो आप प्रोग्राम को आसानी से डिबग कर सकते हैं और इस अध्याय में हम लोग यही देखेंगे कैसे एरर एक्सेप्शन को पता करें और उनकी डिबगिंग करने की जो तकनीकियां हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग पाइथन डिबगर यानी PDB के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो डिबगिंग है क्या? डिबगिंग का मतलब उस काम से है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रोग्राम में एरर को पता करते हैं, उसके कारण का पता करते हैं और उसके अनुसार प्रोग्राम के कोड में हम चेंज करते हैं और चेंज करके हम लोग एरर को दूर करते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग डिबगिंग। बग मतलब एक छोटी सी गलती और उस बग को दूर करना डिबगिंग कहलाता है। तो होता क्या है कि हमारे प्रोग्राम में जो गलतियाँ होती हैं वो एरर्स या एक्सेप्शन के अंतर्गत हम लोग उनको वर्गीकृत कर देते हैं। एरर और एक्सेप्शन दोनों ही प्रोग्राम को बाधित करते हैं और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देते हैं। ये एरर और एक्सेप्शन दोनों एक जैसे नहीं होते, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एरर जो होती है वो ट्रांसलेशन यानी कि इंटरप्रिटेशन के समय या कंपाइलेशन के समय हमें पता लग जाती हैं, जबकि एक्सेप्शन जो होते हैं वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय हमें पता लगती हैं, जब हमें किसी न किसी इनपुट, एक निश्चित इनपुट के साथ ही गलतियां देते हैं। इस इनपुट को हम लोग अपवाद कहते हैं या एक्सेप्शन कह देते हैं। एरर एक कह लीजिए एक प्रकार की बग होती है जिसे हम प्रोग्रामिंग की भाषा में बग कहते हैं और ये प्रोग्राम का वो कोड होता है जिसमें प्रोग्राम को सही से कंपाइल होने या इंटरप्रेट होने से रोकता है, यानी ये वो गलती है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देती है। कुछ एरर बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती। तो कुछ एरर्स को हम लोग बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं और कुछ को ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। एरर यहाँ पर हम तीन प्रकार की देख सकते हैं, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। ये तीनों प्रकार की जो एरर हैं वो अलग अलग समय पर आती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपाइल टाइम एरर। ये सामान्यतः दो तरीके की होती है, या तो आप सिंटैक्स में गलती करेंगे या सिमेंटिक में गलती करेंगे। यहाँ पर जैसे आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया कि इफ़ एक्स इक्वल टू एक्स स्टार वाई, तो ये एक सिंटैक्स एरर है क्योंकि इफ के साथ जो स्टेटमेंट होता है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाला होना चाहिए, यानी यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह कंपैरिजन ऑपरेटर यानी डबल इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो ये एक प्रकार की सिंटैक्स एरर है। तो सिंटैक्स एरर क्या है कि जो हमारे वैलिड स्टेटमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने वाले जो नियम हैं उनमें हम लोग गलती जब करते हैं तो वो सिंटैक्स एरर कहलाती है। और सिमेंटिक एरर क्या होती है कि जब किसी स्टेटमेंट का अर्थ गलत निकले तो वो हमारा सिमेंटिक एरर कहलाती है। जैसे ये एक्स स्टार वाई इक्वल टू जेड है जो कि एक सिमेंटिक एरर है, हम स्टेटमेंट को इस तरीके से नहीं लिख सकते। आपको शायद मेरा जो कहना है वो आपको समझ में आया होगा कि सिंटैक्स एरर इज डिफरेंट फ्रॉम सिमेंटिक एरर। लॉजिकल एरर वो होती हैं जो कंपाइल टाइम पर हमको नजर नहीं आती। इनका जो मीन्स सिम्टम है वो ये है कि आपका प्रोग्राम कुछ ना कुछ गलत आंसर देगा, जो आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट आपको नहीं मिल रहा होगा, आपको इच्छित परिणाम नहीं मिल रहा होगा। तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है लॉजिकल एरर की वजह से। और ये एरर कब आती है? जब प्रोग्रामर अपने एनालिसिस को थोड़ा गलत तरीके से करता है तो ये एरर जनरली आती है। जैसे हम कहें कि किसी वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू के बिना अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी लॉजिकल एरर है। किसी फंक्शन में गलत पैरामीटर दे दें तो ये हमारी लॉजिकल एरर है। और इस प्रकार की एरर को संभालना बहुत सावधानीपूर्वक हमें संभालना होता है। जो इनफाइनाइट लूप होता है, अगर हम लगातार एक ही वैल्यूज़ हमारी प्रिंट होती चली जा रही हैं और वो लूप रुक नहीं रहा है, तो इस प्रकार की जो एरर है वो लॉजिकल एरर है। और जो रन टाइम एरर आती है वो एरर जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय उत्पन्न होती है उन्हें रन टाइम एरर कहते हैं। और ऐसी एरर को पता लगाना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि प्रोग्राम के कोड में गलती दिखाता नहीं है, हमारे एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी पैदा करता है। तो रन टाइम एरर या तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देता है, और जिसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम क्रैश हो गया हमारा, कुछ ऐसी एक स्थिति बन गई जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। तो जो ये क्रैश होना है, एबनॉर्मली टर्मिनेट होना, दैट इज ड्यू टू रन टाइम एरर। और अधिकतर जो रन टाइम एरर्स हैं उन्हें हम लोग इनफाइनाइट लूप कह लीजिए या रॉन्ग वैल्यू प्रोवाइड कर देना कह दीजिए, जो आसानी से हमें पता लग जाते हैं। रॉन्ग वैल्यू, जैसे हमने दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया और उसमें हम उसके पैरामीटर को में हम पास कर दें किसी स्ट्रिंग वैल्यू को, तो ये रॉन्ग वैल्यू प्रोवाइड करना होगी, तो ये एग्जीक्यूशन के समय गड़बड़ी पैदा कर देगा। तो इस प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो पाइथन में भी इनकी व्यवस्था है, इन चेक पॉइंट्स की पाइथन में भी व्यवस्था है, जिसको हम लोग अभी आगे जाकर पढ़ेंगे। पाइथन में प्रोग्रामिंग करते समय इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि रन टाइम एरर अगर आए तो प्रोग्राम क्रैश ना हो, उसको हम लोग कहीं ना कहीं अपने कोडिंग के थ्रू ही हैंडल कर ले जाएं, जिसके लिए हमें प्रोग्राम को बहुत रोबस्ट बनाना होता है, उसको बहुत मजबूत बनाना होता है कि अगर उसमें कोई रन टाइम एरर आ रही है तो उस एरर को शो कर दे, ना कि उसकी बजाय वो प्रोग्राम को बंद कर दे। एक्सेप्शन, एरर और एक्सेप्शन लगभग दिखते एक जैसे हैं लेकिन इनका सेंस अलग अलग है। एक्सेप्शन वो स्थिति है जब प्रोग्राम रन हो रहा हो और कोई ऐसी कंडीशन बन जाए कि हमारा प्रोग्राम रुक जाए जिस पर आपका नियंत्रण ना हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ए इक्वल टू 10 फिक्स किया, बी इक्वल टू 0 फिक्स किया और सी इक्वल टू ए स्लैश बी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम रन होगा लेकिन एक मैथमेटिकल एक्सेप्शन जनरेट करेगा, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, जो कि गणित की भाषा में अपवाद होती है कि हम किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो एक बैंक एटीएम में गलत इनपुट देना, ये एक प्रकार की एरर है कि आपने इनपुट गलत दिया तो ये आपने गलती कर दी। लेकिन बैंक खाते से अगर आप अमाउंट ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, आपने निकालना है, आपको मान लीजिए 1000 रुपये और आपके अकाउंट में है 500 रुपये, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो आपको एक्सेप्शन और एरर में थोड़ा अंतर समझ में आ गया होगा। एटीएम मशीन काम करते करते बीच में फंस जाए, ये एक एक्सेप्शन है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं। तो पाइथन में ऐसे अनियंत्रित एक्सेप्शन को प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो ठहराव का कारण बन जाता है। तो पाइथन में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करें, इसके लिए हमारे पास पाइथन ने बहुत अच्छा एक टूल दे रखा है, और भी प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसका प्रयोग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राई और एक्सेप्ट क्लॉजेस। ट्राई और एक्सेप्ट यहाँ पर क्लॉज होता है, जावा में जैसे ट्राई और कैच होता है वैसे यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट क्लॉज होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें जिन ब्लॉक में एरर आने की संभावना है या एक्सेप्शन आने की संभावना है उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं, और अगर कोई एरर आती है तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग उसका कोड एक्सेप्ट कोड ब्लॉक में लिख देते हैं। जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ, ट्राई ब्लॉक बनाया, उसमें लिखा प्रिंट ये कमांड और फिर दूसरा प्रिंट, तो देखिए एक में 0 से भाग दे रहे हैं हम लोग 10 में, तो यहां पर पक्का है कि इसमें मैथमेटिकल एरर आएगी। तो उसके लिए क्या मैसेज प्रिंट किया जाए, वो मैसेज हम लोग एक्सेप्ट में लिखे दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि 0 का जब भी भाग लगेगा तो प्रोग्राम रुकेगा नहीं, वो एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा और वो सीधा ये मैसेज प्रिंट करेगा, लेकिन प्रोग्राम बंद नहीं होगा हमारा। तो आप समझ रहे हैं कि जिस ब्लॉक में एरर आने की संभावना हो उसको लिखते हैं हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर, और अगर उसमें एरर आती है, अगर नहीं आती तब तो कोई बात नहीं, अगर एरर आती है तो उसका जो हैंडलर है वो हम लगा देंगे एक्सेप्ट में। तो इस प्रकार से हम अपने इस प्रोग्राम को रोबस्ट बना सकते हैं कि वो बीच में ना रुके। पाइथन में कुछ इनबिल्ट एक्सेप्शंस हैं जो कि आप एरर आते समय आप इनको देख सकते हैं कि ये आईओ एरर, नेम एरर, इंडेक्स एरर, इंपोर्ट एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर जो अभी हम लोगों ने पीछे की बात की, ओवरफ्लो एरर, की एरर और FOF एरर, ये अलग अलग प्रकार की एरर हैं जिनका डिस्क्रिप्शन आपके सामने ये दिया हुआ है। आप लोग हमारा प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके इसको नोट भी कर सकते हैं। और एक प्रोग्राम को डिबग कैसे करें, डिबगिंग में कोड को हम चेंज करके एरर को हटा सकते हैं, कंपाइल टाइम एरर को रन होने से पहले पता करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, लॉजिकल एरर के लिए आप टेस्टिंग का रास्ता अपना सकते हैं कि वैल्यू आप कुछ टेस्ट करने के लिए अलग से वैल्यूज़ फेक वैल्यूज़ देते रहें और उसको टेस्ट करते रहें,
लॉज और टेस्टिंग एक प्रकार से कहा जाए कि प्रोग्राम के सही व्यवहार को पता करने के लिए हम सैंपल वैल्यूज जो देते हैं ना उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब डिबग करने के लिए हमारे पास निम्नलिखित टेक्निक हो सकती हैं। एरर की सही उत्पत्ति वाली जगह का पता लगाना, मतलब एग्जैक्टली जो एरर आ रही है वो किस लोकेशन पे आ रही है ये पता करना। फिर दूसरी तरीका ये हो सकता है कि हम वेरिएबल के जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं उनको लगातार प्रिंट करते रहें तो हमें पता लग सकता है कि इस जगह पर पोर्शन पर गलती आई थी तो हम वहाँ जाकर चेंज कर लेंगे। और तीसरी जो तकनीक है वो है प्रोग्राम कोड का लगातार पीछा करना, मतलब उसके एक एक स्टेप का पीछा करना, उसको ट्रेस करना। तो एरर की सही अगर आपको उत्पत्ति पता लगानी है तो इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। जैसे आपने ये a इक्वल टू इंट ये नंबर दिया, b इक्वल टू ये यहाँ पर स्ट्रिंग दे दिया, इफ़ आई इन रेंज 4 और प्रिंट कर रहे हैं b स्टार स्टार i को, तो देखिए यहाँ पर डबल स्टार का मतलब होता है पावर, तो b की पावर हमको i चढ़ानी है और b है स्ट्रिंग टाइप का, तो इसमें एक एरर आएगी क्योंकि हम जो पावर फंक्शन या डबल स्टार को हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ नहीं कर सकते, स्ट्रिंग और इंट के साथ दोनों एक, क्योंकि ये बी स्ट्रिंग और आई इंटीजर है, तो यहाँ पर ये एरर जनरेट करेगा जिसमें ये एरर का टाइप होगा टाइप एरर। अब इसके लिए क्या करना है, सिर्फ स्टेटमेंट बदलना है, हमने जो बी इक्वल टू डबल कोट्स में ए लिखा था बी इक्वल टू ए ऐसे कर देंगे तो उसके बाद हमारा आंसर सही आएगा एकदम। तो एक तो ये है कि हमारी एरर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है हमको वो पता लग जाए तो हम इस प्रकार से अपनी एरर को दूर कर सकते हैं, वो लोकेशन ये देखिए ये बता रहा है। उसके बाद अगर हमें वेरिएबल के इंटरमीडिएट मान को प्रिंट करा के वो भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये फेवनो की सीरीज को प्रिंट करने का एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो देखिए ये कोड इन्होंने लिखा हुआ है, जब हम इसको रन करते हैं तो देखिए ये वैल्यू आती है इस तरीके से, ठीक है। तो होता क्या है कि हम इसके इंटरमीडिएट वैल्यू को चेंज करा लेते हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, मतलब जितने बार जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको प्रिंट करा ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, जितने बार लूप चलेगा उतने बार सी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पर देखकर हम ये गलती का आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी गलती कहाँ है। बाद में हम उसमें देखिए इसमें कोड में एक गलती थी, बाद में हमने इसको चेक कर लिया, मतलब चेंज कर लिया कि हमें जो बदलाव करना है वो ये करना है, यानी यहाँ पर जो हमने लिखा था वो b इक्वल टू सी और a इक्वल टू b लिखा था, जिसको चेंज करके हमें ये करना है a इक्वल टू b और b इक्वल टू c करना है। देखिए यानी ये स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो गए थे, ये स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो गए थे, तो जब हम ये चेंज कर देंगे उसके बाद जब आउटपुट देखेंगे तो हमें आउटपुट हमारा सही रूप में दिखेगा, पहले जो दिख रहा था वो गलत था, अब जो दिख रहा है वो सही है। ये कैसे हुआ, पहले हमने इसके इंटरमीडिएट मान को प्राप्त किया तो देखा कि हमारी कहां कहां पर वैल्यूज को आना चाहिए था जो कि उस जगह पर वैल्यू नहीं आ रही है। और तीसरा जो तकनीकी है वो है कोड को ट्रेस करना, इसके लिए हम डिबगर का प्रयोग कर सकते हैं। पाइथन हमें एक डिबगर प्रोवाइड करता है जिसे हम लोग मेन्यू डिबग मेन्यू में जाके उसका डिबगर ऑन कर सकते हैं। जब ये डिबगर ऑन हो जाता है और आप जब किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो लगातार हमको दिखती रहती हैं, जो वैल्यू चेंज हो रही है वो लगातार हमको दिखती रहती हैं। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। डिबगर ये आपका ऑन हो गया तो इस तरीके से आपको देखिए डिबगर दिख रहा है। अब आप अपने प्रोग्राम को ओपन करिए और उसको रन करिए, जब आप रन कर देंगे तो ये डिबगर में वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखिए जब आपने रन कर दिया अपना प्रोग्राम तो देखिए डिबगर में वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आप एक एक स्टेप, ये देखिए स्टेप की बटन है, स्टेप पे क्लिक करते जाइए और आपका एक अगली वैल्यू आपकी प्रिंट होती जाएगी। स्टेप पे क्लिक करिए अगली वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। अगर स्टेप पे क्लिक करने पर कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही इसका मतलब कोई उसका इंटरमीडिएटरी कोड चल रहा होगा बीच में, तो वो भी आपको यहाँ पर शो होगा कि अब कौन सा स्टेटमेंट चला अब कौन सा स्टेटमेंट चला। इस तरीके से आप अपने कोड को पीछा करते हुए डिबगिंग कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं पाइथन खोलते हैं, इसमें हम लोग अपना मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कंट्रोल एन किया, यहाँ पर ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर और बी इक्वल टू ए और फॉर आई इन फोर रेंज, और इसके बाद हमने इसको इस तरीके से किया प्रिंट।
B*I तो देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा। इसको सेव किया और इसको जब मैं रन करूंगा तो देखिए एंटर नंबर मैंने 3 दिया तो ये एरर जनरेट की इसने, टाइप एरर। देखिए टाइप एरर आपको दिखी। तो एक तो ये है कि हमने कैसे इसको स्पॉट किया कि हमको पता पड़ गया कि हमारी गलती कहां पर है, तो हम वहां जाकर चेंज कर देंगे। ये चेंज कर दिया हमने और इसको सेव किया और फिर रन किया, इसकी वैल्यू दी मैंने 3 और एंटर किया, अब हमारा आंसर आ गया। तो ये तो था एरर को पता लगाना और उसके बाद उसमें कोड में जाके कैसे आपने सुधार किया और फिर आपने उसको चेंज कर दिया। अच्छा, अब अगर आपको डिबगिंग टूल ऑन करना है तो देखिए डिबगिंग, यहाँ पर मैंने डिबगर को ऑन किया, ये देखिए डिबगर ऑन हो गया। अब मैं अपने इस प्रोग्राम में जाऊँगा, इसको दोबारा से रन करूँगा तो देखिए अब जो रन करने पर मेरा डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, यहाँ पर डिबगर ऑन हुआ। अब मैं इसमें एक एक स्टेटमेंट पर जाऊँगा तो सबसे पहले आपका मेन मॉड्यूल चालू हुआ और उसमें लिखा ए इंट एक नंबर आप एंटर करें, स्टेप दिया, फिर स्टेप दिया। ये अब देखिए इसके इंटरनल कोड्स चल रहे हैं जिसके मतलब जिसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, इसके जिम्मेदार पाइथन है। फिर स्टेप किया, ऐसे करते रहिए। देखिए अब इसने नंबर मांगा, मतलब इतने स्टेटमेंट के बाद, जो इंटरनल स्टेटमेंट से इतने स्टेटमेंट के बाद हमारा ये नंबर इसने मांगा। मैंने नंबर दिया 4 और एंटर किया। तो देखिए अब डिबगर में नेक्स्ट स्टेप करूँगा मैं, नेक्स्ट स्टेप ये स्टेप ये देखिए इस तरीके से हम धीमे धीमे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ए और बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर 4 और 4 दिखाई दे रही है। स्टेप ये देखिए अब 1 प्रिंट हुआ। आप स्टेप दबाते जाइए, आपकी जो अगली वैल्यू है आई की वैल्यू अब 0, उस हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। आई की वैल्यू 1 हो गई देखिए नीचे, अब ये 4 प्रिंट हुआ। अब देखिए ए की वैल्यू, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं आपके ए बी और आई, जितने आप इसमें वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं उन सब की वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं। स्टेप करने पर आई की वैल्यू चेंज हुई तो अब ये इसकी पावर भी बदलेगी। अब आप स्टेप करते जाइए, देखिए अब 16 आया। फिर आप स्टेप करते जाइए, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, अब पावर चढ़ेगी। तो उसके लिए आप और आगे स्टेप बढ़िए, 64 आया। फिर आपने स्टेप किया, अब आई की वैल्यू कंप्लीट हो गई और क्योंकि जो रेंज चलना था वो 1 से लेकर 3 तक चलना था तो 3 तक चला। इसके बाद हमारा ये वापस हमें जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है वो मिल गया और हमारा पूरा आउटपुट आ गया। इस प्रकार से आप अपने प्रोग्राम को ट्रेस भी कर सकते हैं बाई यूजिंग डिबग कंट्रोल। और इसको खोलने के लिए हमको कहाँ जाना होता है, डिबग में जाकर आपको अपना डिबगर ऑन करना होता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग डिबगिंग करते हैं अपने प्रोग्राम के साथ में। और आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए प्लीज़ आप हमारा ये ब्लॉग फॉलो करिए www.pythontrends.wordpress.com। और आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, और हमें सपोर्ट करते रहिए। ये जो पेज है, ये पेज हमारा, जब आप इस लिंक को ऑन करेंगे तो हमारा पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर ये आपको लिंक सारी दी हुई हैं जहाँ से आप अपना लेसन वाइज मटेरियल और वीडियोस और भी जो चीज़ें हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजीव भदौरिया है।